मैं आपके सामने क्लास ट्वेल्थ मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्ज़ाम 9 तारीख से को मैथ्स का पेपर है, तो मैं डेली आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे कि मैं आज लेकर आया हूँ अध्याय एक। अध्याय एक में 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का पूछेगा, तो मैं आपको उसी तरीके का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसा कि मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर ये सीख गए आप तो आपके 4 नंबर फिक्स है, क्योंकि ये या इससे जैसा इससे रिलेटेड केवल फंक्शन चेंज कर देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करो या प्रतिलोम ज्ञात करो। मतलब आज अपन सीखने वाले, कोई भी फंक्शन या फलन दिया हो उसका अपने को प्रतिलोम कैसे निकालना है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, बस आप साथ में जुड़े रहे। और हर एक चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनसे रिलेटेड आ सकते हैं। और अगर आपने सीख लिया एक बार तो आपका आप आराम से एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमसे कभी भी किसी भी फलन का प्रतिलोम पूछा हो या व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना पूछा हो, तो आपको सबसे पहले जो फलन दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, हमारे पास दिया है fx इक्वल टू एक्स बटे एक्स प्लस टू। ये तो हमारे पास दिया है, पहली बात हो गई। अब हमारे पास क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, जो भी हमारे पास fx दिया है उसको आपको मान लेना है y। ये मैं पहले बता चुका हूँ इसी तरीके से, तो आपने, मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूँ। आप पहले क्लास से पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं, FOG GOF निकालना सब सीख चुके हैं। मैं केवल यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ें लगानी है। आपको सबसे पहले fx की जगह क्या मान लेना है, वाई। ये पहली चीज़ होगी। अब इसका सेकेंड स्टेप ये है कि यहाँ से आपको हल करना है, जैसे वाई बराबर एक्स आ रहा है उसी तरीके से एक्स बराबर वाई के रूप में आपको फंक्शन लाना है। मतलब इसको हल करना है कुल मिला के और एक्स को अकेला करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी व्युत्क्रमणीय निकालना है एक्स को अकेला करना है। देखते हैं, इसका गुणा इधर करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, वाई एक्स धन टू वाई, इसका गुणा इधर हो जाएगा इक्वल टू एक्स। यहाँ तक ठीक है क्या, देखिएगा और थोड़ा ध्यान से। मतलब मैं एक्स को अकेला और वाई को एक तरफ, तो अगर ये वाई उधर जाएगा, ध्यान से देखिएगा, टू वाई इक्वल टू एक्स और साथ में ये आएगा माइनस का वाई एक्स, एक्स एक्स एक वाल एक तरफ रहेंगे तभी तो हल होगा। देखिएगा, टू वाई इक्वल टू, इधर एक्स अगर अपन ने कॉमन निकाल लिया तो वन माइनस वाई, और वन माइनस वाई कहाँ आ जाएगा आप बटे में, वन माइनस वाई इक्वल टू इधर हमारे पास आ गया एक्स। यहाँ तक क्लियर है। मतलब यहाँ से y बराबर x के रूप में हमारे पास जो भी फंक्शन दिया था, जो भी फलन दिया था x के रूप में, उसको y मान लेना है fx को, और वहाँ से सॉल्व करते करते x के रूप में लाना है। अब जो ये x होता है, जैसे अपन ने fx को y माना था, उसी तरीके से x को gy मानेंगे। क्या मानेंगे, इम्प्लाइज करता है gy, इम्प्लाइज करता है gy इक्वल टू टू वाई बटे वन माइनस वाई। ये आपको कैसे याद रहेगा, देखिए, ये x का फलन है इसलिए fx था, और यहाँ पर y का फलन आ रहा है इसलिए gy के रूप में मान लेंगे, क्योंकि f तो यहाँ पर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसका यही है, fx होगा उसको y के रूप में लिखेंगे और वहाँ से इस तरीके से हल करेंगे कि x अकेला रह जाए और y के रूप में फंक्शन आ जाए, और जो x रहेगा उसको अपने को gy मान लेना। पहली चीज़ क्लियर हो गई। और यही जो चीज़ है, यही जो है हमारे पास, यही fx का इनवर्स होगा केवल x के रूप में, लेकिन उसको मैं बाद में करूँगा, पहले मैं यहाँ तक आपका हुआ। अब देखिएगा इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक GOF और एक FOG निकालना है। क्या निकालना है, एक GOF और एक FOG निकालना है, और कुछ भी नहीं करना है, बस इतनी सी बात। अब ध्यान से देखिएगा, अब GOF, F के साथ क्या था, देखिए x, तो यहाँ पर लिख दूंगा GOF x। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हर एक बार हो जाएगा आपका सवाल। जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे होता है, कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा, जी में अगर वाई था तो यहाँ वाई वाई था, और जी में अगर एफ एक्स है तो यहाँ एफ एक्स आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस कर चुके होंगे आप पहले, मैं केवल आपको आईएमपी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उनको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप पुराने वापस शुरू करिएगा fx, बस। अब fx का वैल्यू क्या है, ऊपर से रख लेते हैं, ठीक है। fx का वैल्यू क्या है, हम ऊपर से रख देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पास जगह कम है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, अब मैं इधर लिख रहा हूँ GOF(x) लिख रहा हूँ, है ना। आप चाहो तो इक्वल टू कर करके आगे भी लिख सकते हैं आपकी जगह हो तो। देखिएगा, अब यहाँ पर टू वाई की जगह मुझे क्या लिखना है, टू fx, और टू, देखिएगा, fx की जगह मैंने वैल्यू ऊपर से रख दी है, fx की जगह मैंने वैल्यू ऊपर से रख दी, पूरा को पूरा रखना पड़ेगा x बटे
एक्स प्लस टू यहाँ तक ठीक है, बटा नीचे देखिएगा थोड़ा, वन माइनस एफ एक्स, तो वन माइनस एफ एक्स की जगह फिर से बखोई एक्स बटे एक्स प्लस टू लिख सकते अपन ऐसा, ठीक है। बस इसको हल करते जाइए, देखिएगा ऊपर गुणा करूँगा तो क्या आएगा, टू एक्स बटे एक्स प्लस टू, और इसका गुणा इधर करूँगा तो एक्स प्लस टू माइनस एक्स बटा एक्स प्लस टू, थोड़ा सही से लिखिएगा। देखिए ऊपर का बटे और नीचे का बटे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपको वहाँ एग्जाम में काटने की आवश्यकता नहीं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऊपर बच रहा है मेरे पास टू एक्स बटे टू, टू से टू कैंसिल हो गया, मतलब जीओ एफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स, क्या आ गया, जीओ एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स। यहां तक समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये सीरियल चलते जाना है। एफ एक्स हमारे पास एक्स के रूप में लिखा होगा, वहां से आपको वाई मानना है और एक्स को वाई के रूप में ले आना है, उसको जी वाई मान लेना है। अब कुछ नहीं करना है, एक जी ओ एफ एक्स निकालना है और एक एफ ओ जी वाई निकालना है, बस। तो अब देखो एफ ओ जी वाई निकालता हूँ मैं, यहाँ पर आपके सामने एफ ओ जी वाई निकाल कर बता देता हूँ। अगर वो वाई आ गया तो यूं समझिए हमारा सही होगा। अब आप चाहो तो मैं देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, अब हमारे पास क्या दिया है, अब मैंने क्या बोला है, अब हम निकालेंगे एफ ओ जी और यहां पर निकालेंगे वाई, क्योंकि जी के साथ कौन है, वाई, एफ ओ जी वाई। अब देखिए ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, एफ ओ जी वाई, तो हमारे पास एफ ओ जी वाई निकालना है, तो इसलिए अपन ने लिख दिया एफ ओ जी वाई। अब देखिएगा हमारे पास एफ एक्स क्या दिया था, ध्यान से देखिए, एफ एक्स हमारे पास दिया था क्वेश्चन में एक्स बटे एक्स प्लस टू, देखिए अगर आपको नहीं पता हो तो एक्स बटे एक्स प्लस टू, एक्स बटे एक्स प्लस टू, तो एक्स की जगह कौन आ गया, जी वाई आ गया, तो मैं लिख दूंगा जी वाई बटे जी वाई प्लस टू, क्लियर है। अब जी वाई का वैल्यू क्या है, जी वाई का वैल्यू देखिएगा टू वाई बटे वन माइनस वाई, तो जहां जहां जी वाई है वहां वहां लिख दूंगा टू वाई बटे वन माइनस वाई, ये बड़ा बटे जो ये वाला जी वाई की जगह टू वाई बटे वन माइनस वाई, कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना है आपको, एग्जाम और इजी कैलकुलेशन वाला भी पूछ सकता है, बस आपको मेहनत करनी है। ध्यान से देखिएगा टू वाई बटे वन माइनस वाई, और ये देखिए इसका इधर एलसीएम लूंगा तो टू वाई प्लस टू माइनस टू वाई बटे वन माइनस वाई, देखिएगा ये वन माइनस वाई और ये वन माइनस वाई कैंसिल, आपको एग्जाम में काटना नहीं है, देखिए टू वाई और टू वाई कैंसिल, ऊपर हमारे पास जैसा कि पिछली बार था उसी तरीके से देखिएगा टू वाई बटे क्या बचा है, टू, टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या बचा है हमारे पास, वाई बचा है, मतलब कुछ भी विशेष बात नहीं, एफ ओ जी वाई हमारे पास बच गया वाई, एफ ओ जी वाई हमारे पास बच गया वाई। ये हमारे पास दो चीजें आई है, बस लास्ट में लिख देना है आपको, लास्ट में जाकर लिख देना है, अतः थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अतः दो बातें आपको लिखनी है, जैसे अपन ने पहले क्या निकाला, जीओ एफ एक्स हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो उसको आप लिख सकते आई एक्स, तथा एफ ओ जी वाई हमारे पास क्या आया, वाई आया, मतलब उसको लिख दीजिए आई वाई, केवल ये लिखने का लैंग्वेज और कुछ भी विशेष नहीं, आई वाई। हाँ, इसका तात्पर्य है कि एफ व्युत्क्रमणीय है, एफ व्युत्क्रमणीय है, तथा देखिए एफ का प्रतिलोम पूछा है, तो एफ का प्रतिलोम होता है एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स कौन होगा, एफ इनवर्स बराबर जी है, ठीक है। अब देखिए जी का अगर लिखने के लिए बोले और अगर आप लिखना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, एफ इनवर्स बराबर जी की जगह आप जी वाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनवर्स है एक वाई के रूप में लाए जरूर, लेकिन एक्स के रूप में लिख, टू एक्स बटे वन माइनस है एफ इनवर्स, अगर अपने को एक्स लिखना है, एक्स लिखना है, एफ इनवर्स एक्स अगर अपने को लिखना है, तो देखिए जी वाई हमारे पास जो है, हमारे पास जी वाई जो दिया है टू वाई बटे वन माइनस वाई, तो इसको लिख देंगे टू एक्स बटे
वन माइनस एक्स, ये लिखना चाहो ये इसके बाद वाली स्टेप तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी चलेगा ठीक है। क्योंकि देखिए जी वाई तो अपन लाए लेकिन इनवर्स है और एक्स का फलन तो एक्स के रूप में ही लाएगा, इसलिए ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। ये तरीका आपको अच्छे से अपना लेना है, एक बार और आराम से देख लीजिएगा और ढंग से करिएगा। एफ एक्स हमारे पास दिया है उसको वाई के रूप में मानेंगे और हल करेंगे इस तरीके से कि एक्स को अकेला रखना है। जो भी हमारे पास दो चीज़ें हुई तो एफ एक्स यहाँ से हो गया हमारे पास और जी वाई यहाँ से हो गया, क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है आपको, जी ओ एफ और एफ ओ जी लाना है, कुछ भी नहीं करना है। और पक्की बात है अगर आप जी ओ एफ करेंगे तो एक्स आएगा और एफ ओ जी करोगे तो वाई आएगा, बस लास्ट में जाकर ये लाइन लिख देनी है, आप आराम से देख लीजिए, क्लियर है। और इसके अलावा अगर आपको नहीं लैंग्वेज समझ में आए तो एग्जाम्पल उदाहरण नंबर एग्जाम्पल 25 आपके एनसीईआरटी का है, पेज नंबर 18 पर उसको देख लीजिएगा, लैंग्वेज आपको थोड़ा समझ में आ जाएगी, क्लियर है। बहुत आसान है, व्युत्क्रमणी से रिलेटेड पहले वाले पार्ट का एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ठीक है। तो इसको थोड़ा कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको इसके सेकेंड वाले चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति का भी एक क्वेश्चन बताकर ठीक है बता देते हैं, फिर अपन उसके बाद वाले चैप्टर बाद वाले वीडियो में देखेंगे ओके। ये जो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये अध्याय 2 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 56 एग्जाम्पल नंबर 10 आप देख लीजिए, विविध उदाहरण में है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, जैसे यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स धन टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स के रूप में लाना हो या साइन इनवर्स के रूप में, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपने इस किताब में एनसीईआरटी में, और पक्का हर एक साल इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। ये सबसे आसान क्वेश्चन भी है और आने जैसा भी है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण नंबर 10 आपकी एनसीईआरटी में कर रखा है, आप एक बार वहाँ से भी देखिएगा, अगर आपको वो तरीका सरल लगे तो उससे कीजिएगा क्योंकि वो भी अच्छा तरीका है। और मैं आपको एक और तरीके से बता देता हूँ, मैं डबल तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है। तो कुछ भी विशेष बात नहीं है, सबसे पहले जो भी सिद्ध करना है साइन इनवर्स कोस इनवर्स में लाना है, तो आपके पास सिद्ध करना है तो आपको एक साइड लेकर चलनी होगी और अगर आपको फार्मूला पता है तो वो लगा दीजिए ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हल, और यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो एक बार आप प्रश्न करके लिख दीजिएगा, सिद्ध करना है ये वाली चीज़ ठीक है। लिख देंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ LHS ठीक है, समझ में आ रही बात। आप सबसे पहले सिद्ध करना है, जो भी सिद्ध करना है लाइन वो लिख लीजिएगा, फिर LHS करके लिखिएगा जो भी हमारे पास है ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन इनवर्स 3/5 धन माइनस साइन इनवर्स 8/17 ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखिए इसका एक सूत्र होता है साइन इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स वाई का ठीक है, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हैं चूंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वाला है तो माइनस लगा देंगे, साइन इनवर्स वाई का एक फार्मूला होता है हमारे पास इक्वल टू, मैं आपको बता देता हूँ और नहीं पता है तो भी चलेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उसका दूसरा तरीका बता रखा है। देखिए साइन ए माइनस बी का सूत्र क्या पड़ा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, उसी तरीके से साइन इनवर्स वाला हो तो साइन इनवर्स बाहर लिख देंगे और साइन ए मतलब एक्स कोस बी, कोस मतलब होता है 1 - y² कुछ भी नहीं करना है, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, वाई रूट के अंदर 1 - x², ये फार्मूला भी है इसका, तो आप चाहो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं ठीक है। यही लगाएंगे अपन इस वाले क्वेश्चन में ठीक है, किताब में और आसान तरीके से भी दे रखा है वो भी लगा सकते हैं आप, कुछ भी विशेष नहीं, बस एक बार अगर ये फार्मूला याद हो गया, और ये फार्मूला याद रखना है कोई कठिन काम नहीं है। साइन इनवर्स जैसे साइन ए कोस भी माइनस कोस ए साइन भी होता है, तो यूँ समझिएगा एक्स क्या है साइन और वाई क्या है कोस, तो साइन ए एक्स रूट के अंदर कोस में लाना होगा तो 1 - y² और वाई 1 - x² ठीक है। 2-3 बार करेंगे हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया साइन इनवर्स, और यहाँ पर एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया 3/5 और रूट के अंदर 1 - y² मतलब 8/17 का² माइनस वाई की जगह 8/17 रूट के अंदर 1 - x² मतलब 3/5 का² क्लियर है, बस इसको करते जाइए, समझ में आ रही बात। साइन इनवर्स हमारे पास बाहर है ठीक है, ध्यान से देखिएगा ये 3/5 यहाँ पर, और वो इतना अंडरस्टूड है, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ पर बढ़ा नहीं रहा हूँ। देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 289 इधर आएगा,
समझ में आ रही बात। 289 इधर आएगा, 289 में से 64 जाएगा, हमारे पास बचेगा 225, और 225 15 बन के बाहर निकलेगा। आप आराम से एक दो स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ। 15 और 17 का बटे में 17 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 17 बन के माइनस। इसी तरीके से 8/17, यहाँ पर भी देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 जाएगा 16, 16 जो होता है 4 का स्क्वायर, 4 बन के बाहर निकल जाएगा, और बटे में 5 का स्क्वायर केवल 5 बन के बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? बस इसको इस तरीके से करना है अपने को, कुछ भी विशेष बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। साइन इनवर्स, ठीक है, ये यहाँ कैलकुलेशन किया है, आप खुद कर सकते हैं। 15 से 45, या बोले 5 से इसको काट सकते हैं, अगर कट रहा हो तो बिल्कुल कट रहा है, 5 से इसको काटा तो 5 3 15 तो ऊपर आ रहा, 3 3 9। वैसे नहीं काटते तो भी चलता है, क्योंकि हमारे पास एलसीएम लेने में थोड़ी आसानी रहती बार बार। चलो नहीं काटेंगे इसको, है ना, काटना रहने देना, ठीक है, ताकि एलसीएम लेने में आसानी रहे अपने। ऊपर 15 से 45 आ गया और नीचे 17/85 माइनस 8 चौक, ऊपर आ गया 32 आ गया और इधर 17/85, इसलिए मैंने उसको काटना नहीं समझा, ठीक है। साइन इनवर्स कुछ भी नहीं करना है, बेस बेस सेम। 45 में से 32 गया तो कितना बचेगा बताइए, 45 में से 32 गया तो हमारे पास बचेगा 13। देखिएगा हमको इधर क्या लाना है, कोस इनवर्स 84/85, जबकि हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 13/85। अब क्या करना है तो बहुत आसान है, देखिएगा साइन को अगर कोस में चेंज करना है तो कुछ नहीं लिखना है, साइन की जगह आप लिख सकते हैं कोस इनवर्स, और जो भी है उसको रूट के अंदर 1 - स्क्वेयर के रूप में, क्योंकि साइन आपने पहले वाली आइडेंटिटी सर्वसमिका पढ़ी होगी, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो अगर साइन को कोस में चेंज करना है तो 1 - कोस स्क्वेयर रूट के अंदर, उसी तरीके से ये, ठीक है, 85/स्क्वेयर। क्लियर है? यहाँ पर अगर आपको नहीं पता चले तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उसका क्या किया अपन ने, चूंकि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी लिखा हो, अगर उसको कोस इनवर्स में चेंज करना हो तो कोस इनवर्स लिखकर 1 - x² वाला हम फार्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? बस हो गया हमारे पास, ध्यान से देखिए कोस इनवर्स, और इसको अगर आप हल करेंगे 85 का स्क्वायर बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन आप प्लीज़ हल करिएगा, 85 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर जाएगा, जो भी बचेगा हमारे पास 84 का स्क्वायर पक्का आएगा, ठीक है, और 84 बन के बाहर निकल जाएगा, 84/85, ये हमारे पास आर एच एस आ गया। आप हल करके देखिए बिल्कुल सही आएगा, बराबर आर एच एस, बराबर आर एच एस इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, ये हमारा तरीका हो गया, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सवाल को बता दिया। इसी तरीके का एग्जाम्पल 11 भी है, और भी हमारे पास एक्सरसाइज में है, लेकिन आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का है। तो एक मैंने पहले वाले अध्याय का 4 नंबर का बता दिया, एक दूसरे वाले अध्याय का 4 नंबर का बता दिया मैंने। पहले वाले अध्याय में एक एक नंबर का पूछेगा, एक अपना इस वाले अध्याय में, तो एक एक नंबर के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। पहले मैं पूरी किताब एक बार ख़त्म कर देना चाहता हूँ, हर एक चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में आएंगे, तो आप प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।